कसौटी जिंदगी की इस शो के फैंस के लिए है एक बहुत बुरी खबर। हो सकता है ये शो जल्द ही बंद हो जाए अगर मेकर्स अपनी स्टोरी लाइन अपने एक्टर्स में अगर चेंज नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों में चेंज नहीं करेंगे तो मे बी ये शो बंद हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, एकता के शो ऑडियंस के सिर चढ़ के बोलते हैं, लोग उनके शोज को पसंद करते हैं, इनके ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को बेहद पसंद आते हैं। इस शो यानी कसौटी जिंदगी की शो में भी मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे टीआरपी चार्ट में बनाए रखने की, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। जितना पॉपुलर, जितनी टीआरपी पहले सीजन की थी, पहले शो की थी, इस शो की टीआरपी उतनी नहीं आ पा रही है, और उतनी ना सही ये टीआरपी लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पा रहा है, और ये बात मेकर्स के लिए बहुत खटक रही है। शो की शुरुआत में जब सभी को पता चला था कि पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस होंगे, अनुराग और प्रेरणा सब बेहद खुश हो गए थे क्योंकि इन दोनों ही एक्टर्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। शो शुरू हुआ, शो को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिर इसमें एंट्री हुई कमौलिका यानी हिना खान की, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। इस कमौलिका के नखरे, इस कमौलिका का निक्का, इस कमौलिका का जादू, सब कुछ दर्शकों के सिर चढ़ के बोल रहा था। उन्हें कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हिना खान कमौलिका के किरदार में परफेक्ट नहीं है। उन्हें लगा ये पूरी तरह से जस्टिस कर रही हैं अपने किरदार के साथ, और शो काफ़ी अच्छा चल रहा था। जैसे ही हिना खान गई, हिना खान की जगह नई कमौलिका ने लिया यानी आमना शरीफ ने। आमना काफ़ी सालों से टीवी स्क्रीन से गायब हैं। वो अपने पिछले शो में काफ़ी सीधी सादी लड़की नज़र आई थी, एक बहुत ही बबली। ऐसे में उन्हें नेगेटिव किरदार देना शायद ही गलती हो सकती है। आमना आई, उन्होंने हिना खान के लुक को पूरी तरह कॉपी भी करने की कोशिश की। हूबहू वो हिना खान यानी कमौलिका जैसी, जो पहली कमौलिका थी, वैसी ही नज़र आई। पर कई बार शो के नीचे ये कमेंट्स होते हैं कि आमना इस नेगेटिव किरदार के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हैं। लोग उन्हें इस नेगेटिव किरदार में, जहां दर्शकों ने उन्हें बबली किरदार में देखा है, बहुत ही क्यूट सी लड़की के किरदार में देखा है, उन्हें इस नेगेटिव यानी विलन के किरदार में दर्शक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कई जगह ऑडियंस का ये भी कहना है कि आमना बहुत ज़्यादा ओवर कर देती हैं। शायद ये सब कारण भी हो सकते हैं शो की टीआरपी गिरने का। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण, पहला कारण हिना खान के जाने का, दूसरा मिस्टर बजाज का जाना। मिस्टर बजाज जैसे ही शो में आए, यानी करण सिंह ग्रोवर, आप सभी जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मिस्टर बजाज के किरदार में करण सिंह ग्रोवर पूरी तरह परफेक्ट लगे थे। करण जब तक इस शो में थे, शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही करण की शो से एग्जिट हुई, शो में अब करण नहीं नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से इस शो की टीआरपी और भी ज़्यादा गिर गई। ऑडियंस लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें मिस्टर बजाज वापस चाहिए, करण सिंह ग्रोवर वापस चाहिए, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अगर शो अपने टीआरपी चार्ट में जगह नहीं बना पाया तो मे बी ये शो ऑफ एयर हो सकता है। हिना खान का जाना, मिस्टर बजाज का जाना और आमना शरीफ की ओवर एक्टिंग, कहीं ना कहीं ये बड़े कारण हैं इस शो की टीआरपी गिरने का। हिना खान ने ये शो अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से छोड़ा। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिसकी वजह से उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा। और अभी हाल ही में आपको अगर एक सीन याद होगा जहाँ पे प्रेरणा इमेजिन करती है कि जब कमौलिका थी, पहले जब कमौलिका थी, वो अपना स्टोल कैसे जलाती थी, उसमें हिना खान की बॉडी डबल का यूज़ किया गया था क्योंकि हिना के पास वक्त नहीं है इस वक्त इस शो के लिए आने के लिए, इसीलिए उनकी बॉडी डबल का यूज़ किया गया था और क्लोज शॉट यूज़ किए गए थे। ऐसे में इस बात से तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिना खान इस शो में अब वापसी नहीं करेंगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, चूँकि हिना खान की प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, यानी कमौलिका की प्लास्टिक सर्जरी होकर आमना शरीफ हो गई है, तो ऐसे में अब हिना खान की एंट्री पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। शो की कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लाए जा रहे हैं ताकि दर्शक इससे जुड़े रहें, लेकिन शो कुछ भी करके टीआरपी चार्ट में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस शो की टीआरपी बढ़े, दर्शक इसे पसंद करें, मेकर्स कुछ नया ट्विस्ट, कुछ नया टर्न डालें, भले ही मिस्टर बजाज को ले आए, कुछ तो करें ताकि ये शो हम आगे भी देख सकें। सो इस शो से जुड़ी सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.